नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़। फिलहाल आपको बता दें कि जो बिग बॉस में हो रहा है वो कुछ डिफरेंट है और इससे पहले कभी नहीं हुआ। और खास तौर पर अगर बात की जाए तो उन खूबसूरत तस्वीरों की जो प्रियंका चहर चौधरी और अंकित गुप्ता की हैं, साथ में हैं, रोमांटिक हैं, वो आपको नजर नहीं आ रही। सिर्फ लाइव फीड से तस्वीरें हम जैसे ही कुछ चैनल्स आपको दिखाते हैं, और वो इसलिए दिखाते हैं क्योंकि फैन फॉलोइंग तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा प्रियंकित की है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर टारगेट सिर्फ प्रियंकित क्यों है, वो भी बिग बॉस के निशाने पर। कंटेस्टेंट्स का एक रियलिटी शो में एक दूसरे को टारगेट करना लाजमी सी बात है, लेकिन जब एक शो के कर्ता धर्ता हाथ धोकर पीछे पड़ जाए एक पर्टिकुलर कपल के, तो इसके मायने क्या निकलते हैं, क्या वजह है, वाई? फॉर ऑब्वियस ये ठीक है कि कोई कंटेस्टेंट किसी को टारगेट करे और बार बार टारगेट करे, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हो सकता है, उसके कॉम्पिटिटर हो सकता है। लेकिन बिग बॉस की ऐसी क्या जाती दुश्मनी है जो हर बार प्रियंकित को टारगेट किया जाता है, उन्हें नीचा दिखाया जाता है, और जब भी वो साथ होते हैं, रोमांटिक मोमेंट होता है, उसे बिल्कुल भी नहीं दिखाया जाता। लाइव फीड वर्सेस अगर आप उस शो की बात करें जो एक घंटे का, डेढ़ घंटे का डेली दिखाया जाता है, तो जीरो रेशियो है जो लाइव फीड में तस्वीरें सामने आती हैं, उस फुटेज को नहीं दिखाया जा रहा। बहुत माइनर कभी कोई ऐसा चंक हो जो लाजवाब हो तो उसे ही दिखाया जाता है। अदरवाइज टीना और शालीन तक की लव स्टोरी रिपीटेडली यहां दिखाई जा रही है, लेकिन अगर बात की जाए प्रियंका चहर चौधरी और अंकित गुप्ता की, तो वो नहीं दिखाई जा रही है। अब इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये कपल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये बाकी जितने भी कंटेस्टेंट हैं उनके लिए बड़ा ख़तरा है, और जो उनकी प्रेजेंस है, जो उनके टास्क करने का तरीका है, या फिर जो भी चीज़ वो कर रहे हैं, उस पर भारी पड़ता नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि शो फिक्स हो और ये बोला गया हो कि इन्हें नहीं जिताना है, चाहे जितना मर्जी बेहतर परफॉर्म करें। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई बात शायद बिग बॉस को प्रियंकित की बुरी लग गई हो। अब ये तो बिग बॉस ही जाने कि वो क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये साफ है, क्लियरली नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोल ज़रूर है। क्योंकि अगर ये ना होता तो पॉसिबल नहीं है कि इतनी बेहतर जो केमिस्ट्री, लव केमिस्ट्री नज़र आ रही है, उसे हाइड किया जाए। एक तरह से होता है कि लव स्टोरी को ना दिखाना या उस बेहतर मूवमेंट को ना दिखाने का मतलब ये है कि आप चाहते हैं कि उनकी TRP डाउन जाए, उनकी पब्लिसिटी ना हो। तो अगर बिग बॉस किसी पर्टिकुलर कपल के बारे में ऐसा सोचते हैं तो उसके पीछे की क्या वजह है, अगर आप जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के अपडेट्स जुड़े रहने के लिए हमारे साथ बने रहें, और हम आपको बहुत से खूबसूरत अपडेट देते रहेंगे।